सुबह के 6:30 हुए हैं। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है, www.slbc.lk के वेबसाइट पर। जब आप गा उठे, जी हाँ, हमारे प्रिय श्रोता भाई बहनों को नलिनी मालिका पेरेरा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपको सबसे पहले कहना चाहिए, और आज ये जब आप गा उठे कार्यक्रम इस महीने के 14वां सोमवार है, इसलिए आज के लिए इस कार्यक्रम को पेश होता है। और दूसरा और चौथा हफ्तों में ये कार्यक्रम पेश होता है, सुबह के 6:30 से 7 तक। तो आइए, आपके पत्र के अनुसार ये पेश होने वाला कार्यक्रम अब हम आरंभ करेंगे। और सबसे पहले ये पत्र हम पेश करना चाहते हैं, मंगल गेट मलकापुर महाराष्ट्र के रामेश्वर तलेकर हमें लिखते हैं, जब आप गा उठे कार्यक्रम के लिए। ईश्वर ने सृष्टि निर्माण की और मानव को यह बसा दिया, साथ साथ हम समस्याओं का भी सृजन किया। समस्याओं का निराकरण आसान ना बनाकर काफी मुश्किल कर दिया। किसी भी काम को पूरा करना असंभव तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं, जिसके लिए कभी कभी औरों को सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए बहुत कम इंसान हैं इस दुनिया में जो आगे निकल कर आते हैं और एक दूसरे का सहारा बनकर मदद करते हैं। बाकी तो बस मतलब से मतलब रखते हैं। किसी ने खूब कहा है, इस दुनिया में मानव होना आसान है पर मानवता को आत्मसात करना मुश्किल है। यहाँ इंसान तो बहुत बेशुमार है पर इंसानियत बहुत ही कम है। कुछ इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अनायास मेरे होठों पर आ गया ये गीत और मैं गा उठा इस तरह। इंसान तू इंसान है, इंसान तू इंसान है, इंसान बन इंसान बन, इसमें ही तेरी शान है। इंसान बन इंसान बन, इंसान तू तुझको मिलना है प्रभु से, तुझको मिलना है प्रभु से, पहले मिल इंसान से, इंसान से पूज मानव धर्म को उपकार से, बलिदान से, बलिदान से, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है। इंसान तू इंसान है, इंसान बन इंसान बन, इसमें ही तेरी शान है। इंसान बन इंसान बन, इंसान तू खुशियों का प्याला अकेले, खुशियों का प्याला अकेले,
भी पीना नहीं, पीना नहीं। ऐसी खुदगर्जी का जीना, ऐसी खुदगर्जी का जीना तो कोई जीना नहीं, जीना नहीं। ये जीवन का अपमान है, ये जीवन का अपमान है। इंसान तू इंसान है, इंसान बन इंसान बन, इसमें ही तेरी शान है। इंसान बन इंसान बन, इंसान तू। छोड़ते मजहब के झगड़े, छोड़ते मजहब के झगड़े, सबका हासिल एक है, सबका हासिल एक है। मुख्तलिफ रस्ते हैं लेकिन सबकी मंजिल एक है, सबकी मंजिल एक है। क्यों बना हैवान है, क्यों बना हैवान है। इंसान तू इंसान है, इंसान बन इंसान बन, इसमें ही तेरी शान है। इंसान बन इंसान बन, इंसान तू इंसान तू इंसान तू। मंगल गेट मलकापुर महाराष्ट्र के रामेश्वर थलेकर के ये जब आप गाउटे का पत्र हमने कार्यक्रम के पहले अव्वल में लिया है। तो मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आपने गीत को सुना फिल्म संदेश से। और चित्रा चौक अकोला के विनायक चांदे जी हमें लिखते हैं, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, बिछड़े हुए साथी के साथ गुजरे हुए पलों की याद आती है। इंसान चाहते हुए भी उन रात और दिनों के पलों को नहीं भूल पाता। मुझे यकीन है कि उनसे मुलाकात या मिलन नामुमकिन है, फिर भी दिल कहता है कि वो यही है, यही कही है। और तन्हाई में एक शाम इन्हीं विचारों में खोया, गम में बैठा था कि होठों पे आ गया ये गीत और मैं गा उठा। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही रुखसार की बातें होंगी, हिजर की रात मगर प्यार की बातें होंगी। फिर मोहब्बत में तड़पने की कसम खाई है।
तेरी याद चली आई है फिर वही शाम। से मुलाकात कभी हो के ना हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है फिर वही शाम, वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है फिर वही शाम। फिल्म जहां रसे तलात महमूद को आपने सुना, और ख़ास करके आप ज़्यादातर लोगों से, हमारे श्रोता भाई बहनों से पत्र मिलते हैं कार्यक्रम में जब आपका उठे के लिए अपने बिछड़े हुए साथी के बारे में जो अपने मन में आते हैं ख्याल वो लिख करके, ये भी शायद ऐसे होना चाहिए। आमला बैतूल मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश की कानिजा परवीन हमारे श्रोता बहन लिखते हैं हमें, डलता हुआ दिन और शाम का फैला दामन मुझे अपनी आगोश में समेटने लगा है, दिन के एहसास यादों के गहरा यौन में चुभने लगे है, अचानक ही उदास माहौल में एक खुशबू का झोंका मेरे आसपास महसूस होने लगा, उदास अशकों से भरे आंखों से देखा, करीब ही में शुमार खिले फूलों पर अटके लिया करती तितलिया को, महसूस हुआ मेरे पास हो वो है कह रहे हैं आजरा, मेरे सांसों में मेरे दिल की धड़कन में मेरे सारे वजूद में मेरे हर पल के यादों में तुम्हारी ही महक और तुम्हारी ही खुशबू रची बसी है, ए हवा तो उधर जाती तो होगी ज़रा छू के देख मेरे महबूब को, उन्हें मेरी याद आती तो होगी, इस पयाम में सलाम के साथ मैं गुनगुना उठी। दिल
हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। जा रही है तितली नगरिया पी की तू जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। वहां पर पैसे भी आमला मेहतुल मध्य प्रदेश की कनीसा परवीन की दिल की कहानी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पतंग से। और हमें लिखते हैं जी हाँ बेमेतरा नयापारा छत्तीसगढ़ के भाई ईश्वरी प्रसाद साहू। जब आप गाउटे के लिए लिखते हैं शाम की दुधलाहट चारों तरफ फैल रही थी, अंधकार काफ़ी हो चुका था, तभी अचानक बिजली के कड़कने की आवाज़ आई और देखते ही देखते बारिश होने लगी। बारिश की तेज बोझार की बूंद खिड़की से अंदर आने लगी, शायद तूफान आ गया था। खिड़की से पट एक दूसरे से टकराकर भयानक गूंज उत्पन्न कर रहे थे, पर मैं इस सब बातों से बेखबर था, क्योंकि मेरे जीवन में भी खुद एक तूफान आ गया था जो इस तूफान से कम भयंकर न था। मेरा प्यार लूट चुका था और मैं बेखबर था, न जाने मेरे प्यार को किसी की नज़र लग गई थी। मैं पागल जैसे अपने प्यार को इधर उधर ढूंढ रहा था, बरबस ही मेरे होठों पे आ गया ये गीत और मैं गा उठा ये गीत। खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार खो गया है मेरा प्यार। चल दिया दिल को तोड़ कर, गम की मौजों में हाय कोई छुप गया मुंह को मोड़ कर, छुप गया मुंह को मोड़ कर, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार। ओ हो, ओ हो, ओ हो। जिंदगानी उदास है वो कहाँ किसके पास है, गहरी नदियाँ बता दे तू मुझको मिलने की आस है, मुझको मिलने की आस है। खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार।
प्यार नहीं, जाने कैसा ये दौर है, जाने कैसा ये दौर है, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार। गीत को आपने सुना फिल्म हरियाली और रास्ता से और महेंद्र कपूर की आवाज में। ज्योति लिसनर रेडियो लिसनर्स क्लब सिपाही टोला पूर्णिया के अंजनी कुमार भाई, अंजनी कुमार प्रेमी हमें लिखते हैं, सुख और दुख, खुशी और गम, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। इंसान के जीवन में आज दुख है तो कल सुख आएगा, आज गम है तो कल खुशी आएगी। परंतु कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दुख और तकलीफ में अपने आप से निराश हो जाते हैं और वो इससे संघर्ष करने के बजाय अपने दुख और तकलीफ में गमगीन हो जाते हैं। ऐसे इंसान को अपने गम के साथ साथ दूसरों के गमों से तुलना करना चाहिए कि दुनिया में एक वही इंसान नहीं है जो गम ज़्यादा है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनका दुख उनके दुखों से कहीं ज़्यादा है, उनकी तकलीफें उनकी तकलीफों से कहीं ज़्यादा है, जिनकी तकलीफें उनकी तकलीफों से कहीं ज़्यादा है, जिनका गम उनके गमों से कहीं ज़्यादा है, तो फिर अपने गम में आंसू बहाने से क्या फ़ायदा, अगर ये थोड़ी सी दुख तकलीफ में अपने जीवन से संघर्ष करना छोड़ देंगे तो वो इंसान क्या करेगा जिनका दुख तकलीफ इसके दुख तकलीफ से कहीं ज़्यादा है। इसलिए इंसान को दूसरे इंसान के दुख तकलीफ गम की तुलना करते हुए जीवन से संघर्ष कर जीवन में ये कहते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आज मैं कुछ इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि मेरे होठों पे अनायास ही आ गए थे गीत, आ गए ये गीत, और मैं गुनगुना उठा कुछ इस तरह का। कितना गम है मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना कोई
किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कभी ये आंसू बहते हैं, कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। दुख सुख का ये संगम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना एक दुख भरी कहानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुखिया सारा आलम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम जब बाबू का उठे हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। कार्यक्रम के अंतिम में आपने सुना भाई अंजनी कुमार प्रेमी सिपाही टोला पूर्णिया के, उनके ख्याल पर ये गीत। फिल्म अमृत से आपने सुना मोहम्मद अजीज की आवाज़ में।